हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर डाइनिंग टेबल के लिए टेबल क्लॉथ बनाने वाले हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है ये गाइस। हमारी वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसका मैंने लिंक है चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना हमने थाल फर्स्ट वीडियो में कम्प्लीट किया था, ये चार राउंड हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना साइज़ हमने बड़ा कर दिया है। अगर इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो पहले आप इसी राउंड को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहीं से अगर मतलब कि आपको और ज़्यादा चौड़ा बनाना है, लंबा हमारा बहुत जाएगा, अगर इसे और ज़्यादा चौड़ाई में बढ़ाना है तो यहीं से हमें दो चार राउंड और बनाने होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन है जो अब कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अब सिर्फ ये लंबाई में जाएगा डिज़ाइन, चौड़ाई में अब नहीं जाएगा। तो अभी हमें देखिए जो हम सात फंदे हमने स्टार्टिंग में बना रखे हैं, तो यहाँ से हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको देखिए ऐसे छोड़ देंगे। ये सात फंदे हैं, हमें इसके स्किप कर देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच बनाते हुए ये सेवन जो हमने डीसी बनाए थे इनको हम स्किप कर देंगे। और जहाँ पर देखिए हमने चेन बनाई हुई है वहाँ पे हमें सात फंदे बनाने हैं। देखिए तीन फंदे बन गए हैं, टू चेन को भी हम फंदा काउंट करेंगे, चार फंदे, फाइव, सिक्स एंड यहाँ पे एक और बनाएंगे सेवन। ये सेवन वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे बना लेंगे। टोटल सेवन डबल क्रोशिया देखिए हमने यहाँ पे बना लिए हैं। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन बनाया अब यहाँ पे बनेगा। तो अब यहाँ पे सेम देखिए टू चेन यहाँ पे ऐसे वाला डिज़ाइन बनाया जाएगा, टू चेन वन डबल क्रोशिया, टू चेन एंड वन डबल क्रोशिया, टू फंदों को स्किप करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए टू हमारे हो गए हैं, थ्री, फोर वाला हमें यहाँ ऊपर बनाना होगा, फाइव और सिक्स और लास्ट हमारा सेवन। तो सेवन डबल क्रोशिया देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए तो हमें क्या बनाना है, टू चेन वन डबल क्रोशिया, दो फंदे स्किप करेंगे, वन डबल क्रोशिया, फिर से टू चेन एंड वन डबल क्रोशिया। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमने चेन बना रखी है सेम ऐसे ही 15 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले बार बनाया है, तो तीन हमारे हो गए हैं, चार, पाँच, टोटल 15 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर हमें बनाने होंगे। अगर फ्रेंड्स आप सब ये वीडियो मेरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो टू की चेन देखिए फिर से हमने बना ली है, यहाँ पे दो फंदे छोड़ देंगे हम, एक दो, जो थर्ड वाला बीच में हमारा फंदा रहेगा वहीं पे हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा। फिर लास्ट वाले में टू की चेन बना के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए सेवन डबल क्रोशिया बना लेने हैं, दो हमने बना लिए, तीन बना लिए, चार, अब दो हम फिर से बनाएंगे, फाइव, सिक्स और लास्ट है सेवन। ये देखिए सेवन डबल क्रोशिया हमने बना लिए है। फिर से हम क्या बनाएंगे, टू की चेन वन डबल क्रोशिया, फिर टू की चेन वन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सेवन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए एक फंदे पे फंदा बना लेंगे। तो सेवन डबल क्रोशिया हमने देखिए इस तरह बना लिए हैं। अब देखिए जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ऐसे इधर छोड़े थे सात फंदे, तो इधर भी सेम ऐसे ही सात फंदे छोड़े जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पे हमें छोड़ के जाना है। जहाँ पे हमें लास्ट में चेन बनाई है वो वाला डिज़ाइन हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पे हम इसको छोड़ेंगे।
टू की चेन बनाते हुए देखिए, क्योंकि ये दो राउंड का डिज़ाइन है, तो ये जो डिज़ाइन हमने पहले बनाया था इसी को रिपीट कर लेना है। जहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशे बनाए थे वहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशे ही बना लेंगे। जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे हमें 2 चेन बनानी होगी। अच्छा, और 1 डबल क्रोशे पे 1 डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर से 2 चेन, फिर से 7 डबल क्रोशे पे 7 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा चेंज होगा, जैसे हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाए ऐसे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया एक साइड बनाए जाएंगे और 7 डबल क्रोशिया दूसरी साइड। तो यहाँ पे पहले हम 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस चेन के अंदर। यहाँ पे हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया जो बनाए थे तो इनको 7 7 में हम डिवाइड करेंगे। ये 7 डबल क्रोशिया के बाद हमें 5 की चेन बना लेनी है और एक फंदा हम यहाँ पे देखिए अब छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, जो नेक्स्ट वाला रहेगा 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाए थे तो दोनों साइड हमें 7 7 डबल क्रोशिया ले लेने हैं और जो बीच का एक 15 वाला फंदा रहेगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे भी ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। यहीं से फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है आगे बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें सेम करना है, जितना हमें 2 की चेन पे 2 की चेन बना लेनी है, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेना है। ये दो राउंड का डिज़ाइन है तो हम तो ये वाला राउंड हमें रिपीट करना होगा, तो इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ तक हमने बना लिया है। लास्ट में अब यहाँ पे डबल क्रोशिया आ गया, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया आ गया। तो अब इस जहाँ पे इसको छोड़ेंगे देखिए यहाँ तक हमें डिज़ाइन बनाना होगा। जैसे कि पहले हमने 7 फंदे छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, इसी तरह यहाँ पर भी हमें इनको स्किप करना होगा। तो स्किप करने के लिए क्या करना है, हमें पहले चेन बनानी होगी, फिर हमें स्लिप स्टिच बनाने होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके हमें स्लिप स्टिच जो बना लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा डिज़ाइन चेंज होगा, जहाँ पे हमने चेन बना रखी है वहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 4 2 हमें चेन के अंदर बनाएंगे, 6 और 1 हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो 7 फंदे हमने बना लिए हैं, फिर से बनाएंगे 2 चेन। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना लेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड जिस तरह हमने यहाँ पे देखिए चेंज किया है, यहाँ पे चेंज करेंगे, जहाँ पे हमारी चेन है वहाँ पे डबल क्रोशिया, जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ पे चेन। इस चेन के अंदर टोटल 15 डबल क्रोशिया जो बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आप सबको डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आप थाल पोस्ट देख सकते हैं, कितना प्यारा यहाँ पर डिज़ाइन है और ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है। देखिए यहाँ से हमें ऐसे फंदों को छोड़ते जाना है। तो आई होप गाइस यू ऑल लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो ये लास्ट वाला डिज़ाइन सेम रहेगा, स्टार्टिंग वाला डिज़ाइन जिससे हमने बनाया वैसे रहेगा। यहीं पे ऐसे ही करते हुए हम जितना बड़ा बनाना है हम थाल पोस्ट बनाएंगे, फिर लास्ट में यहीं पे हम इसको बंद कर देंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स कैसा लगा आप सबको ये डिज़ाइन। तो जितना अगर मैंने पहले बताया है, अगर इससे ज़्यादा बड़ा देखिए या चौड़ाई में ज़्यादा साइज करना है तो यहीं से हमें और ज़्यादा राउंड बनाने होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो।